हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज हम जानने वाले हैं फिजिक्स का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऊर्जा क्या है। ऊर्जा क्या है और ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं, सारा कंप्लीट वीडियो आपको मैं देने वाला हूँ इस वीडियो को। बस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक आपको देखना और सुनना है और अपने कॉपी में नोट्स करते चलना है। कॉपी पेन लेके बैठिए, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ऊर्जा एवं ऊर्जा के प्रकार, व्हाट इज एनर्जी इन हिंदी, ठीक है। हिंदी में मैं आपको बताने वाला हूँ ऊर्जा क्या है, ठीक है। देखिए, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ही उसकी ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ही उसकी ऊर्जा कहते हैं। अब उदाहरण के लिए हम जैसे समझें कि बंदूक से छोड़ी गई गोली, अगर हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो बंदूक से छोड़ी गई गोली लक्ष्य से टकरा कर जहाँ पर हम जिसको मारते हैं वहाँ पे जाके टकराता है और वहीं पर एक विस्थापन उत्पन्न करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन जहाँ पर उत्पन्न होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। वही कार्य कर रहा है, यहाँ पे जो गोली है वो कार्य कर रही है और गोली की कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। देखिए, कार्य की भांति ही ऊर्जा एक अदिश राशि है। क्या है? कार्य करने की भांति ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जूल है। आई होप समझ में आ गया होगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बंदूक से छोड़ी गई गोली जब लक्ष्य से टकराता है तो वहाँ पर उस विस्थापन उत्पन्न करती है, तो यह ऊर्जा का मुख्य उदाहरण है। और कार्य की भांति ही ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल है। चलिए आगे देखते हैं। इसका एक भाग यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा भी होता है। चलिए, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है वो देख लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर कार्य करती है तो कार्य करने वाली वस्तु की ऊर्जा खर्च हो जाती है। जो कार्य करता है उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और जिस पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। किया गया कार्य स्थानांतरित ऊर्जा तथा कार्य द्वारा प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। फिर से मैं समझा देता हूँ। देखिए, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर कार्य करती है तो कार्य करने वाली वस्तु की ऊर्जा खत्म हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति कार्य कर रहा होगा तो उसका ऊर्जा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस पर कार्य किया जाता है उसका ऊर्जा बढ़ जाता है। किया गया कार्य स्थानांतरित ऊर्जा तथा कार्य द्वारा प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। आई होप यह भी क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है। क्या देखेंगे? गतिज ऊर्जा। देखिए, गतिज ऊर्जा का यहाँ पे पहला पॉइंट, यहाँ पे दो पॉइंट में आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा आती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे गोली में उसकी गति के कारण ही वहाँ पे गति आती है, गोली में उसकी गति के कारण ही यहाँ पर उसमें गति गो जैसे गोली में उसकी गति के कारण ही यहाँ पर गति गतिज ऊर्जा उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट। हाँ, दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे, गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होता है। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, धनुष से छोड़ा गया तीर, गतिमान हथौड़ा, गिरती हुई वर्षा की बूंदे आदि गतिज ऊर्जा के मुख्य उदाहरण हैं, ठीक है। गतिज ऊर्जा का मतलब यही है कि गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक दिशाओं में कार्य गति करता है और गतिज ऊर्जा हमेशा गति में रहता है। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, एक बार जहाँ पे छोड़ दी जाती है बंदूक से, तो वो डायरेक्ट लक्ष्य को भेद कर ही रुकता है, उसके पहले नहीं रुकता है। जैसे तीर भी छोड़ दिया गया तो तीर भी लक्ष्य को भेद देता है, वैसे ही हथौड़ा भी एक गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। हथौड़ा भी मारेंगे तो उसमें भी वो लक्ष्य को भेद के ही तभी रुकेगा और वर्षा की बूंदें नीचे आकर ही
रुकती हैं जमीन पर। तो ये सब क्या है, गतिज ऊर्जा के मुख्य उदाहरण है। ठीक है, आपको आशा करता हूँ गतिज ऊर्जा भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ध्यान से देखिए और हाँ हो सके तो वीडियो को रोक रोक के कहीं कॉपी पर नोट्स करते चलिए, लास्ट में मैं बताऊंगा उस नोट्स का आपको क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा, ठीक है, अब क्या है गतिज ऊर्जा, ठीक है, यह सब पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ यह सब ऊर्जा के क्या हैं, छोटे छोटे भाग हैं जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए फिलहाल में जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे बांध में ऊंचाई पर जल एकत्रित किया जाता है जिसे स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। स्थितिज ऊर्जा यानी स्थित रहता भी है लेकिन वहाँ पे ऊर्जा आ जाती है। आगे देखिए कैसे वो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कार्य करेगी। और जब यह जल नीचे टरबाइन पर गिराया जाता है, टरबाइन एक मशीन होती है मोटर की तरह होती है, तो टरबाइन पर गिराया जाता है जल को जब एकत्रित करके, तो यह टरबाइन के पहिए को घुमाती है और विद्युत उत्पन्न होती है। इसी प्रकार बांध की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। जब एकत्रित जल को ऊपर से एकत्रित करके टरबाइन पर गिराते हैं तो टरबाइन मोटर होता है और वह उसकी जो मोटर है वो चलने लगता है, और वहीं पे जो मोटर चलने के बाद क्या करता है वहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न कर विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। वहाँ पे विद्युत इलेक्ट्रॉनिक के मतलब माध्यम से बिजली उत्पन्न करने लगता है। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा का एक दूसरा हेडिंग देखिए यहाँ पर, किसी भी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा निम्न रूपों से निहित होती है जो इस प्रकार है। जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जब भारी हथौड़े को ऊंचाई से गिराया जाता है तो हथौड़े में कार्य करने की क्षमता आ जाती है, वो उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई के कारण आती है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी तल के ऊंचाई के कारण इसलिए आती है क्योंकि वह ऊपर से छोड़ा जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जमीन उस हथौड़े को अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है, तो उसमें बल कार्य करने लगती है उस हथौड़े में। ठीक है, तो एक बार देखिए ध्यान से, किसी भी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा निम्न रूपों से निहित होती है जो इस प्रकार है। जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जब भारी हथौड़े को ऊंचाई से गिराया जाए तो हथौड़े में कार्य करने की क्षमता आ जाती है, वो पृथ्वी तल से ऊंचाई के कारण आती है। अब देखिए प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ये देखिए इसका परिभाषा देखिए, जब घड़ी में चाबी भर दी जाती है तो घड़ी के भीतर स्प्रिंग दब जाती है और वह तनाव में आकर एक विशेष अवस्था के कारण उसमें ऊर्जा आ जाती है। देखिए इसका उदाहरण भी मैं आपको देने वाला हूँ बहुत अच्छा सा, पहले ये उदाहरण समझिए। जब घड़ी में चाबी भर दी जाती है तो घड़ी के भीतर स्प्रिंग दब जाती है और वह तनाव में आकर एक विशेष अवस्था के कारण उसमें ऊर्जा आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों का एक कार वाला खिलौना आता है, उसमें चाबी वाली सिस्टम रहती है, तो उस चाबी को जितना हम घुमा देते हैं, घुमा के उसमें स्प्रिंग जो है अंदर वह पूरा बंध जाता है और जैसे ही उसको ज़मीन पर रखते हैं तो वो कुछ दूरी तक वह कार चलने लगती है। वो खिलौना होता है छोटे बच्चों का, आपने देखा होगा हमेशा, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब घड़ी में चाबी भर दी जाती है तो घड़ी के भीतर एक स्प्रिंग रहता है, वही दब जाता है और वह तनाव में आकर एक विशेष अवस्था के कारण उसमें ऊर्जा आ जाती है, जिसके कारण वह छोटी सी जो खिलौना होती है वो कुछ दूरी तक कार चलने लगती है, छोटी सी खिलौने होती हैं, आपने देखा होगा। तो यह था प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, कैसे आती है, चाबी भरने से आती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पे देखिए परिभाषा देखिए, विद्युत आवेश जो होते हैं वह एक दूसरे से प्रति आकर्षित वह प्रतिकर्षित होते रहते हैं,
विद्युत आवेश जो होते हैं वह एक दूसरे से दूसरे के प्रति आकर्षित व प्रतिकर्षित होते रहते हैं और आवेशों के कारण निकाय में भी स्थितिज ऊर्जा होती है जिसे स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए विद्युत आवेश जो होते हैं, आवेश जो होते हैं वह एक दूसरे के प्रति आकर्षित व प्रतिकर्षित होते रहते हैं और आवेशों के निकाय में भी स्थितिज ऊर्जा होती है जिसे स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आई होप इसको नोट करते चलिए। आगे देखिए, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा परिभाषा देखिए। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी गतिमान आवेश तथा धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है, हो जाती है, उसे चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा परिभाषा जो हेडिंग है उससे ही समझ में आ रहा है कि चुंबक के कारण किसी वस्तु में ऊर्जा उत्पन्न होगी तो वही चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा होगी। उदाहरण देखिए, इसमें साफ साफ बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में चाहे जो भी हो, स्थितिज किसी गतिमान आवेश तथा धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है उसे चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक ऊर्जा, अब ये क्या होता है इसके बारे में देखिए, थोड़ा सा स्टडी करते हैं। रासायनिक ऊर्जा, रसायन से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसी को कहेंगे, साधारण सी बात है। देखिए लेकिन इसकी परिभाषा की तरफ देखें, विभिन्न प्रकार के ईंधन में स्थितिज ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। जैसे उदाहरण देखिए, विभिन्न प्रकार के ईंधनों में स्थितिज ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, जैसे कोयले, पेट्रोल, मिट्टी का तेल इत्यादि। जब इन्हें जलाया जाता है तब यह रासायनिक ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताएं तो पहले ट्रेन जो थी वो कोयले से चलती थी, तो कोयला जो है एक रासायनिक ऊर्जा है। उसी जब कोयले ट्रेन की भट्टी में झोंका जाता था तो ट्रेन बहुत स्पीड में चलने लगती थी। पहले ट्रेनें कोयले से ही चलती थी तो वहाँ पे क्या करता था, कोयला उसमें ऊर्जा भर देता था। भट्टी में कोयला डालने से वहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होती थी जिससे ट्रेन एकदम गतिमान अवस्था में हो जाती थी, उसमें ऊर्जा आ जाता था। तो यह मुख्य स्रोत है, मुख्य उदाहरण है रासायनिक ऊर्जा का। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, रासायनिक ऊर्जा। आगे देखिए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, यह बहुत बार पूछा भी जाता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। छोटा सा यहाँ पे बता रहा हूँ परिभाषा, आपको समझ में आएगा। देखिए, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है, ध्यान रखिए, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही है, ध्यान दीजिए, ऊर्जा को न तो नष्ट उत्पन्न किया जाता है न तो नष्ट किया जाता है, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट ऊर्जा का हम लास्ट हेडिंग देखेंगे, ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण, ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले उपकरण, आखिर ये उपकरण क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न करने वाले उपकरण, ठीक है, देखिए हाँ, सबसे पहला देखेंगे यहाँ पे डायनो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ध्यान रखिए, डायनो एक मोटर होता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और चौथा देखिए लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। तो यह थे आपके सामने कुछ उदाहरण जो कि ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण थे। तो आपको हमने यहाँ पर सारा कुछ एक एक करके ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के प्रकार कितने होते हैं, और एक एक करके मैंने सारा कंप्लीट वीडियो आपको दिया है।
आशा करता हूँ आपको हर एक हेडिंग समझ में आई होगी और आपने वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। अगर अभी भी कोई स्टूडेंट डाउट है तो मैंने पहले से कहा था कि इसको वीडियो को रोक रोक के आपको एक कॉपी में नोट्स करते चलना है। अब एक बार सारे नोट्स को एक बार आपको समझना है, रटना नहीं है, समझना है और उसके बाद किसी दूसरे पेज पर लिखना है। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएगा यह ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं, तो दोबारा दिमाग से भूलने वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यह था छोटा सा ट्रिक हमारे तरफ से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और एक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल नोटिफिकेशन पर बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए ताकि हमारे नए वीडियो आपको मिल सके। अगर किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए, किसी सब्जेक्ट पर अगर आपको कन्फ्यूजन है उस पर वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सब्जेक्ट का नाम और टॉपिक का नाम लिख के कमेंट करिए ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। एंड मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।